दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 6 जनवरी 2021 और देश के अलग अलग राज्यों से आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। आपको सभी अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। बदलाव, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू। अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए पाठ्यक्रम। प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा का शुभारंभ सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बीएचयू के विज्ञान संकाय सभागार में किया। 3 माह से 6 साल तक के बच्चों के लिए 3 खंडों में बने इस पाठ्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेवापुरी ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया गया। यहां 3 से 6 माह का प्रशिक्षण देने के बाद इसे राज्य में लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया जाएगा। इसके बाद यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित होगा। 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन राज्यपाल ने बीएचयू में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया। विद्या भारती की ओर से तैयार किया गया है। इसमें बच्चों की कविताएं, खेल के साथ मोरल साइंस समेत अन्य मनोरंजन विषयों को समावेश किया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने के प्रति लगाव हो सके। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर केवल पहल नाम की एक पुस्तिका से पढ़ाया जाता था। चलिए चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के जयपुर से। जयपुर में महिलाओं का आक्रोश, 13 दिन से धरने पर बैठी आशा सहयोगी, कार्यकर्ताओं का टोंग रोड पर धरना, 2 घंटे लगाया जाम। मानदेय बढ़ाने, स्थायी नौकरी समेत 3 मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से जयपुर में धरना दे रही आशा सहयोगी महिला कार्यकर्ताओं का आज गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में इन महिलाओं ने जयपुर की टोंग रोड पर जाम लगा दिया, वहीं धरने पर बैठ गईं। आशा सहयोगी महिलाओं के इस प्रदर्शन ने पुलिस प्रशासन को सख्ती में ला दिया। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन ने मौके पर अधिकारियों संग पुलिस की अतिरिक्त फोर्स भेजी, लेकिन सब बेअसर साबित हुई। उसके बाद एडिशनल DCP मनोज चौधरी, ACP राजवीर सिंह चौधरी व ACP महेंद्र शर्मा सहित अन्य पुलिस अफसरों ने लगातार समझाइश की। तब करीब 2.5 घंटे तक टोंग रोड पर धरने पर बैठी महिला उठी और उसके बाद ट्रैफिक सुचारू हो सका। धरने दे रही महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल को सचिवालय भेजा गया। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के भभुआ से। पहल, आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिए जाएंगे पावर बैंक। विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी सेविकाओं को पावर बैंक दिए जाएंगे। इससे केंद्रों के लिए आवंटित एंड्रॉइड मोबाइल फोन की पावर बैकअप की समस्या समाप्त हो जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित की जाने वाली गतियां नियमित हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त सेविकाओं की मोबाइल डिस्चार्ज होने की बहाना भी निजात मिलेगा। परियोजनाओं में पावर बैंक की आपूर्ति भी कर दी गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शशिकला कुमारी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 285 आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। बदायूं में बड़ी कार्रवाई, सपा नेता के अस्पताल में सेवाएं देने वाली 35 आशा कार्यकर्त्री बर्खास्त। सपा नेता के अस्पताल में सेवाएं देने वाली आशाओं पर काफी दिन बाद स्वास्थ्य विभाग ने गाज गिरा दी है। आयशा नर्सिंग होम में पकड़ी गई आशाओं को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। DM की सख्ती के बाद CMO हरकत में आए, जिससे आशाओं में हड़कंप मच गया है। आशाएं गिफ्ट लेकर महिलाओं की डिलीवरी आयशा नर्सिंग होम में कराती थी। सोमवार को CMO डॉक्टर यशपाल सिंह ने आशाओं पर कार्रवाई की। आयशा नर्सिंग होम में पकड़ी गई आशाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। बदायूं जिले के CMO डॉक्टर यशपाल सिंह ने बताया, आयशा नर्सिंग होम में पकड़ी गई 35 आशाओं का मामला है, जिनके द्वारा विभागीय कार्य प्रभावित कर प्राइवेट अस्पताल में सेवाएं देने के मामले में प्राथमिकी पहले ही दर्ज करा दी गई थी। अब सभी आरोपित आशाएं DM के आदेश पर बर्खास्त कर दी गई हैं। गांव-गांव से नई आशाओं को प्रस्ताव मांगे गए हैं। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के गया से। अब ड्राइंग सीखेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में नामित बच्चे, विभाग देगा पेंसिल, चार्ट पेपर और कलर बॉक्स। जिले स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में नामित बच्चों में भी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए विभाग तरह तरह के प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में अब आंगनबाड़ी केंद्रों में नामित बच्चों को ड्राइंग सिखाए जाने की कवायद की जा रही है। बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से इसकी पहल शुरू कर दी गई है। विभाग ने इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी है। सेविकाओं द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के सभी घरों में जाकर बच्चों को प्रेरित करेंगी। इस क्रम में बच्चों को विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री भी दी जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में आके आप बताएं कि आप लोग देश के किस राज्य से आंगनबाड़ी या फिर आशा बहने हैं, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।